Hello guys and welcome back to the channel. Today we are going to do a chapter from 12th standard, that is the third chapter. The chapter is kinetic theory of gases and radiations, so we'll be doing the sums of that chapter, right? So let us start with the chapter. The actual numerical starts from question number 11, but there is one more sum in between, that is 4. So let us do that 4 and then we'll go to 11, okay? So we'll do that fourth one. I'll read the question that will be displayed over here and then we'll write the data and solve it, right? So I'll read the question. If the density of oxygen is 1.44 kilogram per meter cube at a pressure of 10 raised to 5 newton per meter square, find the root mean square velocity of oxygen. So here, see, given what is density given is 1.44. So density is 1.44, it is kilogram per meter cube, okay. Next, pressure of 10 raised to 5, so pressure is given, pressure is 10 to the power of 5 newton per meter square. We need to find VRMS, okay. RMS velocity find out karne ka hai, to VRMS apne ko find out karna hai. Now remember, this is in general a direct formula substitution wala question hai. Now iska solution na direct formula based hai. Formula based kya hai iska solution dekh lete hai. Dekho solution. Pressure ka formula kya tha? 1/3 rho VRMS square. Correct? The direct formula hi hai. बस यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, VRMS निकालना है. Therefore ये बन जाएगा 3P upon rho का root and that is equal to what? VRMS, right? So VRMS equals to root of, this is 3 into P is what? P is 10 to the power 5 and rho, rho is 1.44, right? ये तीनों values है. इसको खाली जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना, ये आ जाता है अपने को कितना, आई जस्ट गिव यू द आंसर, 456.44. सो दिस कम्स आउट टू बी 456.44 यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड. ओके, सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4. लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. ओके, तो अपना जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसका 11. Okay, I'll read the question. Calculate the ratio of mean square speeds of molecules of gas at 30 Kelvin and 120 Kelvin. So there are two temperatures, T1, T2. T1 hai 30 Kelvin, T2 hai 120 केल्विन. दो टेम्परेचर्स है अपने पास में, अपने को फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड. ओके, मीन स्क्वायर स्पीड का रेशियो निकालना है, तो V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, ये हमको फाइंड आउट करना है. ओके, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. ये मीन स्क्वायर, सॉरी, मीन स्क्वायर के लिए ऊपर हमने लाइन भी डाला हुआ है. हाँ, अभी इसको अगर इसका मैं सिर्फ इन जनरल फॉर्मूला लिखूं तो ये क्या होता है, मीन स्क्वायर वाला, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सम्स आने वाले आगे. तो सॉल्यूशन, व्हाट आई मीन बाय दैट मीन स्क्वायर, इट इज 3RT बाय मॉलिक्यूलर मास. ओके, तो ये मॉलिक्यूलर वेट या मास नंबर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्सचुअल में, तो ये स्पीड की वैल्यू रहती है 3RT बाय. हम लोग को रिलेशन क्या चाहिए, हमको रिलेशन चाहिए सिर्फ टेम्परेचर के टर्म में. तो व्हाट आई गेट फ्रॉम टेम्परेचर्स के लिए इस कि इसका रिलेशन देख लो, वी स्क्वायर, ये रिलेशन है क्या, ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है. अब जस्ट इसके लिए लिख दो तो ये क्या बन जाएगा, जब यहाँ V1 स्क्वायर, दूसरा क्या है V2 स्क्वायर, अभी वी के लिए V1 के लिए T1, इसके लिए क्या T2, करेक्ट, T1 एंड T2. T1 की वैल्यू कितनी है 30, T2 की वैल्यू है 120, दैट इज 3 1 बाई 4 आएगा सॉल्यूशन. ओके, सो द रेशियो ऑफ द
velocity is comes out to be 1/4. That is your second question. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. ओके, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, देखते हैं क्या है. टू वेसल्स ए एंड बी आर फिल्ड विद सेम गैस वेयर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल ए इज ट्वाइस द वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल बी. तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये तीन चीज़ें अपने को दी है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज टू टाइम्स ऑफ दैट इन सेकेंड वेसल, टू टाइम्स दैट इन सेकेंड वेसल, टू टाइम्स दैट इन सेकेंड वेसल. ओके, ये अपने को क्या मैंने आगे. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन वेसल ए टू दैट इन वेसल बी. तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वेसल ए के लिए चलो मैं लिख देता हूँ N1, वेसल बी के लिए लिख देता हूँ N2, ये रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है. ओके, अब यहाँ पे मैं इसको, तुम बोलोगे ए और बी है तो ए लिखना चाहिए, बी लिखना चाहिए. एक्चुअली यहाँ पे NA आने वाला है एवोगैड्रो नंबर के लिए, तो वो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हम लोग यहाँ पे N1 और N2 लिख देते हैं. ये वेसल ए के लिए, ये वेसल बी के लिए, राइट. अब इसको स्टार्ट करते हैं. तो पहला सबसे फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे किसके लिए, PV इक्वल टू NRT वाला. तो सॉल्यूशन क्या है, N इज इक्वल्स टू PV अपॉन RT. ठीक है, ये तो अपने को मालूम है गैस इक्वेशन से. नाउ इसके लिए दो इक्वेशंस लिख दो, एक बार A वाले के लिए लिखो और एक बार B वाले के लिए लिखो. देयरफॉर NA इज इक्वल्स टू व्हाट, PA VA RA TA. ठीक है, और दूसरा लिखो B के लिए, तो इट इज PB VB RB एंड TB. ठीक है, नाउ वी वांट फर्स्ट टू द सेकंड, A टू B चाहिए, तो इसका रेशियो लेने का, A ऊपर B नीचे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट इज NA अपॉन NB. ठीक है, अभी A के लिए इफ आई राइट, A वॉज वॉट, तो इट वॉज PA VA RA TA इनटू, ये लिखोगे तो ये आएगा यहाँ पे PB VB डिवाइडेड बाय RB TB. ठीक है, नाउ व्हाट आई नो, देर आर सम थिंग्स आई नो. सी, PA अपॉन PB, PA अपॉन PB क्या होगा, 2 होगा, तो PA अपॉन PB है 2, प्रेशर का सॉल्व. वॉल्यूम देख लेते हैं, VA अपॉन VB, तो VA अपॉन VB क्या होगा, 2. अब यहाँ पे आ जाओ नीचे, RA अपॉन RB, अब ये RA अपॉन RB क्या है, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही होता है ना, तो वो RA और RB लिखने की जरूरत तो वैसे भी थी नहीं, चलो ये भी कैंसिल हो गया. अब TA और TB, TA अपॉन TB, तो TA इधर है, TB उधर है, तो TA अपॉन TB होता है 2, करेक्ट. तो ये आंसर अपने को क्या आ जाएगा, 2 और 2 कट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2/1. यह है NA अपॉन NB, करेक्ट, वो नंबर ऑफ मोल्स वाला, PB इक्वल टू NRT से. अब आगे देखते हैं, हमको और एक फॉर्मूला चाहिए, कौन सा वाला, ये स्मॉल n खुद क्या रहता है, सिंस स्मॉल n इज इक्वल टू दैट नंबर वी वांट अपॉन द एवोगैड्रोस नंबर, राइट है. तो अब ये किसके लिए लिखो, एक बार A के लिए लिखो और एक बार B के लिए लिखो. अब ये इसके लिए लिखते, देखो A के लिए, देयरफॉर NA अपॉन NB. A के लिए लिखोगे तो यहाँ पे हमने 1 लिखा था, तो ये बनेगा N1 अपॉन NA. B के लिए मैंने यहाँ पर N2 लिख के रखा हुआ है, तो N2 अपॉन NA. ठीक है, NA विल गेट कैंसिल, ये आ जाएगा N1 अपॉन N2. ओके, बट ऑलरेडी अपने पास इसका आंसर है, NA अपॉन NB क्या होता है, 2/1 होता है, तो यही है अपना 2/1. मीन्स ये जो हम लोगों को यहाँ पे पूछा था, क्या पूछा था,
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का आंसर भी वही आ जाएगा, राइट? तो दैट विल कंप्लीट योर दिस क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. ओके, क्या किया यहाँ पे? अ गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर पी. इफ द मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू एंड द स्पीड्स आर डबल्ड, देन द रिजल्टेंट प्रेशर इज. तो क्या क्या दिया यहाँ पे? इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर पी है, फाइनल प्रेशर फाइंड करने का है. उसके बाद मास को इसने 1/3 किया, तो जो सेकेंड मास है वो इनिशियल मास का 1/3 बनेगा. वेलोसिटी को डबल करने का, तो जो सेकेंड वेलोसिटी है वो 2 times दी फर्स्ट वेलोसिटी है. और क्या है? और चलो और कुछ नहीं है. अभी आप जाते हैं सॉल्व करने के लिए. प्रेशर का इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? प्रेशर इज व्हाट? 1/3 एन एम बाय वी, ये वॉल्यूम वाला वी, ठीक है? यहाँ पे वी आर एम एस स्क्वायर. ओके, ये रहता है हम लोगों का फॉर्मूला. अब इसमें से हमें ये जो वेलोसिटी दी हुई है, ये ऑब्वियसली आर एम एस दी हुई है. व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नो एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम इंटरेस्टेड इन, ओके? बिकॉज मे मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो मुझे सिर्फ उन चीज़ों में ही ध्यान देना है जो हम लोग यहाँ सॉल्व करने वाले हैं. यहाँ पे स्क्वायर डालते हैं लोग. अब देखो यहाँ पे m दिया है और v दिया है ना, तो m और v के बीच में क्या रिलेशन है? देयरफॉर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. हमारे डेटा के हिसाब से ये ऐसा दिखेगा, इन दोनों को ये प्रोपोर्शनल है. लेट अस राइट द फॉर्मूला नाउ. देयरफॉर p2 अपॉन p1 इज इक्वल्स टू इट इज m2 अपॉन m1 v2 अपॉन V1, ठीक है? M2 अपॉन M1 कितना है? M2 अपॉन M1 है 1/3. 1/3 ये क्या है? V2 का स्क्वायर, V2 अपॉन V1 स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4/1. तो ये आंसर क्या आया? ये आया 4/3, पर ये P2 अपॉन P1 आया है. P2 क्या होगा? 4/3 P1, बट P1 इटसेल्फ इज व्हाट? B. That is 4/3. That is your second pressure. Okay. So second pressure can be obtained easily by using the gas equation. So that completes your this question. Start karte hain agla question. That is question number 14. Okay. I'll read the question. What is given? Show that RMS velocity of an oxygen molecule is root 2 times. That of sulfur dioxide molecules at STP. Okay, तो show करना है कि RMS velocity oxygen के लिए. अच्छा, तो पहले तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा? Molecular mass लिखना पड़ेगा. चलो लिख देते हैं. Molecular mass किसके लिए? Oxygen के लिए. यहाँ पे कुछ given है क्या? ओके, नथिंग इज गिवन. चलो तो ऑक्सीजन के लिए इट इज 32 एंड SO2 के लिए इट इज 64. अपने पास मॉलिकुलर मास हम लोग ने लिख दिया है. अब आ जाते हैं RMS स्पीड के फॉर्मूले के लिए. RMS स्पीड वाला फॉर्मूला हमने पीछे भी यूज़ किया था. ये वी स्क्वेयर RMS क्या था? 3RT बाय मॉलिकुलर मास था. अपने को चाहिए V, तो आई विल जस्ट यूज़ दिस सोल्यूशन. नाउ अपने को रिलेशंस यहाँ पे या फॉर्मूले में क्या दिख रहा है रिलेशन में, कि ये m के जगह पे दो अपने पास है. एक बार ऑक्सीजन आएगा, एक बार SO2 आएगा, राइट? सो लेट अस राइट इट फॉर ऑक्सीजन एंड SO2. सो ये बनेगा वेलोसिटी फॉर ऑक्सीजन लिखा तो यहाँ पे क्या आने वाला है? 3RT. ऑक्सीजन के लिए 32, velocity of SO2 लिखोगे तो ये आएगा 3RT by 64. ओके, अब रेशियो चाहिए क्योंकि एक हमको क्या दिया हुआ है? शो दैट दी RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल
इज सम टाइम्स ऑफ सल्फर ना, तो ऑक्सीजन ऊपर लिखना पड़ेगा। चलो देयरफॉर वेलोसिटी ऑक्सीजन, वेलोसिटी सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें ये 3 RT तो कैंसिल हो रहा है क्लियर कट, अब बचता क्या है, जस्ट रूट डालता हूँ यहाँ पे। इसके साथ आता है 32, 32 कहाँ पर आता है, डिनोमिनेटर में। इसके साथ आता है 64, इसके डिनोमिनेटर में। इसके हिसाब से ये डबल है इसका, 32 2 ज़ा, मतलब ये क्या आएगा, ये √2 आएगा। तो इससे हम लोग ने क्या प्रूफ किया, ऑक्सीजन का स्पीड जो है √2 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड के स्पीड के बराबर है, राइट। तो यही हम लोग को यहाँ पे प्रूफ भी करना था, तो हमने मॉलिक्यूलर मास का लॉजिक यूज़ करके हम लोग ये प्रूफ करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत सारी जगह आने वाला है, रिमेंबर दिस, 3 RT/m, राइट। सो दैट कम्प्लीट्स योर दिस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 15। ओके, जस्ट सी व्हाट इज गिवन इन 15। एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव सेम RMS स्पीड एज हीलियम मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 एंड हीलियम इज 4। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास इज 32 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम इज 2। ये अपने को दिया हुआ है, सॉरी 4 हीलियम। और एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम RMS स्पीड। ओके, मतलब ऑक्सीजन और हीलियम का जो RMS, यस RMS स्पीड है, ये सेम है। अब RMS स्पीड आ गया तो RMS वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ना। और ये सब हो कब रहा है, ये हो रहा है हीलियम मॉलिक्यूल एट STP, मतलब हीलियम मॉलिक्यूल STP पर है। तो टेम्परेचर ऑफ हीलियम है कितना, 273 केल्विन है। हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हमको फाइंड करना है कि ऑक्सीजन का टेम्परेचर क्या रहेगा। ओके, अगेन ये वाला फॉर्मूला अभी अभी यूज़ किया था हम लोगों ने, 3 RT/m, MO लिखते हैं उसका सिंबल, बाद में वो रिप्लेस कर देंगे अलग अलग मटेरियल्स के लिए। तो अगर मैं ये हीलियम के लिए लिख दूँ, तो ये अगर मैंने हीलियम के लिए लिखा तो ये बन जाएगा 3 R, R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर ऑफ हीलियम बनेगा। टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना है, 273, ये बनेगा हीलियम, हीलियम के लिए कितना है, 4। सिमिलरली आई विल राइट इट फॉर व्हाट, वेलोसिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए लिखोगे तो ये 3 R टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 32। नाउ सिंस इट इज सेड कि ये वेलोसिटी इज इक्वल है, इनको और इक्वल दिखाने का, तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हीलियम, तो इक्वल दिखाओगे तो क्या होगा, 3 RTO/32 इज इक्वल टू √3R273/4। दोनों साइड क्या करो, स्क्वायर्स ले लो। ओके, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोदी साइड्स, कैंसलिंग 3 R फ्रॉम बोदी साइड्स, तो यहाँ पे बचता है 32, यहाँ पे बचता है 273/4। ओके, सो T0 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये ऊपर आएगा, और वैसे भी ये डिविजिबल है, 4 8 ज़ा 32, दैट इज 8 × 273। इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आंसर देता है, 2184 केल्विन, 2184 केल्विन। तो ऑक्सीजन का टेम्परेचर ये होना चाहिए, क्या करने के लिए, दोनों के RMS स्पीड को सेम करने के लिए, राइट। सो दैट विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 15। स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। कैलकुलेट द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 127 degrees Celsius विथ RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 degrees Celsius. Given that the molecular masses of hydrogen and oxygen are 2 and 32 respectively. तो temperature दिया है hydrogen के लिए 127. चलो temperature for hydrogen is 127 degrees Celsius. इसको Kelvin में करोगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 400 Kelvin. Next दिया है
ऑक्सीजन के लिए 27 दिया है, तो ऑक्सीजन के लिए इट इज़ 27। ऑब्वियसली 100 कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 300 आ जाएगा। फिर हमको फाइंड क्या करना है, दोनों के मॉलिकुलर मासेस भी दिए हैं, तो मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन ये दे दिया है 2, मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन दे दिया है 32। अब आगे आ जाओ, हाँ, कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन पता करना है और ऑक्सीजन पता करना है, राइट? सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये अपने को फाइंड आउट करने का है, और आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला वही है 3RT बाय ना, सिंस वीआरएमएस का फॉर्मूला होता है 3RT बाय मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे किसके बीच में रिलेशन निकालना है, टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास के बीच में निकालना है ना, तो दोनों का फॉर्मूला लिख लो, रेशियो लिख लो सिंपल। तो वेलोसिटी किसके लिए लिखोगे, आरएमएस स्पीड अगर हाइड्रोजन के लिखते हो तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, ये फॉर्मूला बनता है 3R टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन के लिए लिखोगे तो इट इज़ 3R टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन ऑक्सीजन, ठीक है, रेशियो में मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, तो इट इज़ वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे क्या रहने वाला है और क्या कैंसिल होने वाला है, ये दोनों का रेशियो ले रहा हूँ मतलब पूरा रूट पे चला गया, ये 3R 3R तो बचेगा नहीं, तो यहाँ से क्या आता है, TH अपॉन ये आता है, सॉरी हाइड्रोजन लिख रहे हो तो पूरा ही लिख देते हैं हाइड्रोजन, ये आ गया, ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन टू, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पर आएगा, मास यहाँ पर आएगा, राइट। अब इसका वैल्यूज देखते जाओ, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन दिया है 400, तो ये दिया है अपने को रूट के अंडर, दिस इज 400 इन टू मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है 32 डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज 300, नंबर्स क्या बच रहे हैं अपने पास, ये दो जीरो कैंसिल, ये दो जीरो कैंसिल, दो जीरो, ठीक है। अब ये 4 से इसको डिवाइड कर लो, ये बन गया 2, 2 इंटू 32 इज 64, और ये आ जाएगा 3। अब 64 किसका है, 64 तो 8 का है ना, तो ये आ जाएगा 8 बाय रूट 3, ठीक है। तो ये आ गया अपना किसका, वेलोसिटीज का रेशियो, राइट। सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 16 एंड विद दिस वी विल एंड विद द लेक्चर। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस ओवर हियर, यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस।